कि आज फिर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और मुझको तो एक बार पहले भी आने का मौका 2016 में मिला था श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी की जयंती समारोह में आने का मुझको मौका मिला था और इस बार फिर जब 109वीं जयंती है उसके सम्मान दिवस पर आज फिर यहां आने का मौका मिला है तो मुझे बड़ी खुशी है। और एक बार हम कह देना चाहते हैं कि श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी का बहुत ज्यादा संबंध हम लोग जब आप समझ लीजिए कि जब भी एक साथ जब हम लोग राजनीति में थे जेपी मूवमेंट में हम लोगों ने काम किया आगे बढ़े बाद में जो पार्टी बनी उसमें तो सब लोग थे ही लेकिन एक बार जब हम लोग विधायक ही थे और उसी समय मुझको उन्होंने अध्यक्ष बनाया था श्रद्धेय देवीलाल जी ने तो वो उनका निधन हो गया था और उनके निधन के बाद वही देखने के लिए चौधरी देवीलाल जी आए और उस समय जब आए तो इतना ज्यादा उन्होंने ध्यान देना शुरू किया बिहार का और पूरी पार्टी का मैंने पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी कि उन्होंने पूरा ध्यान दिया पूरी पार्टी का और पूरा नजर रखे और उस समय तो वो यहां सबसे पहले मुख्यमंत्री थे ही यहां लेकिन मुख्यमंत्री तो और पहले भी रहे वो लेकिन उस समय भी मुख्यमंत्री थे वहां आ करके और सब लोगों का ख्याल कर रहे थे। जब हम देख रहे थे यूथ विंग को और उसके बाद वो आए और फिर हमको उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और कहे कि भाई हम आने वाले हैं तो हम लोगों ने उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया और जो पटना से उनको हम ले गए वहां रास्ते भर इतने लोग खड़े थे सब इतना स्वागत किए कि उनको घंटों लगा और सबका स्वागत उन्होंने स्वीकार किया था और तब जाकर के वहां पर मीटिंग में पहली बार तो जो उनका निधन हो गया था कर्पूरी जी का तो कर्पूरी जी के निधन के बाद जो स्थिति थी तो वही देखने के लिए हम लोगों को मौका मिला और उसके बाद जो पार्टी बनी तो पार्टी बनी तो सब लोगों ने मिलकर के तो पार्टी बनाया इन्हीं सब लोगों ने पार्टी बनाया और उसके लिए जो मीटिंग हुई हम लोग तो सब उस समय थे ही लेकिन जब 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम भी वहां पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे चुनाव में मेरा प्रचार करने के लिए हमारे क्षेत्र में मोकामा जगह है तो वहां ये पहुंचे थे और कितनी बड़ी भीड़ थी तो इतना ज्यादा करते थे और हम लोग तो उनका सम्मान करते रहते थे और उसके बाद फिर जब सरकार बनी 1989 में यहां तब पहले तो वही इलेक्ट हुए पार्टी की तरफ से नेता के तौर पर लेकिन बाद में इन्होंने कह दिया कि नहीं कोई बात नहीं और वो बने उप प्रधानमंत्री बने और उसमें वीपी सिंह को उन्होंने मौका दे दिया और सरकार बनी और उस समय जब ये उप प्रधानमंत्री थे तो उसके साथ साथ ये जो डिपार्टमेंट देख रहे थे कृषि विभाग का तो हम तो एमपी होकर के आए थे हमको भी लोग राज्य मंत्री बना के हम ही को कृषि का जिम्मा दे दिया और उस समय जब भी होता था तो उन्होंने हमको कह दिया था कि तुम ही को जवाब देना है हाउस में अब उसके लिए हम रोज सुबह 8 बजे जाते थे उनके घर पर कि ये सब आया है इसका तो कहा कि जो तुमको मन करे वही जवाब दो तो हम ही जवाब देते थे तो इतना मानते थे तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी कितनी इज्जत और जो निधन हो गया था कर्पूरी जी का और उसके बाद जो इन्होंने पूरे पार्टी को वहां बचाया और सब लोग आगे बढ़ते रहे तो उनके प्रति तो हम लोगों का शुरू से ही एक श्रद्धा का भाव है
और हम कभी जीवन भर भूल नहीं सकते हैं कि जब हम लोग यंग थे तो उस समय कितना मानते थे और किस तरह से बराबर बात करते थे। और बाद में जब वो केंद्र में चले गए थे तो यहां पर मौजूद हैं ही, अब जब इनको मौका मिला था चौटाला जी को, ओम प्रकाश चौटाला जी, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी यहां मुख्यमंत्री बने थे, और यहां तो पांच बारी मुख्यमंत्री बने, एक बार नहीं पांच बार मुख्यमंत्री बने हैं यहां, और कितना काम करते थे। और उस समय जब हम केंद्र में भी जब मंत्री थे, बाद में फिर इस विभाग को देख रहे थे, तो उस समय ये बराबर यहां के बारे में समस्या बताते थे और सब कुछ उस समय से जो भी हम लोगों से संभव था कृषि के क्षेत्र में, हम लोग इनकी बात को सुनते थे और मानते थे। तो आप समझ लीजिए कि जितना ज्यादा काम आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी का भी है, तो ये सब काम हुआ है, और किस तरह से इनको लोगों ने फंसा करके जेल भेज दिया, ये हम लोगों को कितनी तकलीफ हुई थी। और जब ये हुआ तो हम लोग जा करके, जब इनको जेल तक में रखा गया तब भी हम लोग जाकर के वहां मिलते थे, और इस तरह से एक एक तरह से हम लोगों का जो लगाव, तो ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और जब भी उन्हें से इनको मुक्ति मिली तब फिर इनसे मिलने के लिए हम आए, तो ये उसी समय हमको कहने लगे कि जहां हम थे फिर हम चले गए थे बीजेपी के साथ, तो हमको ये समझा रहे थे कि काहे के लिए उसके साथ हैं, छोड़िए और इधर आइए, तो बाद में तो छोड़ के हम आ ही गए। अब एक ही साथ उसी समय से हमको ये कह रहे थे, अब उसी समय से, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने आपको बता दिया, भाई वहां तो कुछ है ही नहीं, और उन लोगों को हम इतना मदद किए, और उसके बाद जो पिछला चुनाव हो रहा था तो उसमें तो हम लोगों के उम्मीदवार को हराने ही में लगे हुए थे, तो एक एक तरह का चीज, हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए थे, और काम नहीं हो रहा था ठीक ढंग से, जो जो लोग ये लोग वादा किए थे केंद्र से कि एक पिछड़ा राज्य है उसके लिए करेंगे, वो नहीं कर रहे थे। और अंतोगत्वा जिस जिस तरह का बात इन लोगों ने गलत करना शुरू किया, हम लोगों ने कहा कि भाई ये साथ चलना ठीक नहीं है, अलग हो गए। और आप जान लीजिए बिहार में सात पार्टी एक साथ है और मात्र एक पार्टी अलग है, अब सब लोग मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात तो जान लीजिए कि बिहार का तो चिंता नहीं है, अगला बार चुनाव होगा 24 में, तो उनको है क्या, अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उनके लिए जितना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे, और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा नाम मात्र का मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ बिहार का नहीं है, हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे देश में एकजुट होना होगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। और ये मेरा जो आग्रह है श्रद्धे ओम प्रकाश चौटाला जी से चरण स्पर्श करते हुए फिर इनको हम कहेंगे कि जरा यहां आपके साथ कितने लोग आए हुए, अब आगे भी ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़ने में लगिए। अब क्या समझते हैं कि कहीं कोई पार्टी ऐसा हो सकता है, कहीं आप समझ सकते हैं कि बिना सीपीआई सीपीएम के माले के कोई बात होगा, सब तरह के लोगों का, अन्य जो पार्टियां हैं विभिन्न राज्यों में। और हम तो भाई आग्रह करेंगे, मेरा बतवा तो नहीं है सुनिएगा आप लोग, हम तो कहेंगे कि और अधिक से अधिक पार्टियां, इवन कांग्रेस पार्टी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। और ये लोग कोई काम कर रहे हैं साहब, आप जरा देखते हैं, अभी तो हमारे मीडिया वाले मिलते हैं हम प्रणाम कर देते हैं, वो तो बात करना चाहते हैं,
लेकिन आप जान रहे हैं कि आजकल पूरे देश में क्या हो गया है, सारे मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर नियंत्रण, और एक तरफा बात चलता रहता है, दूसरे लोग बोलते हैं, थोड़ा बहुत छपा, वो सब चीज को बढ़ाया नहीं जाता है। इस हालत से करके हर चीज पर नियंत्रण रखे हुए, इसलिए जरूरत इस बात की है। और दूसरी बात है, समाज में जो ये झंझट पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का झंझट, ताकि इसी का झंझट हो जाए और उसी में झंझट रहेगा, तब फिर हिंदू लोग कोई रहेंगे, उनको हम अपनी तरफ करके जीतेंगे। कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। देश जब दो हिस्सा में बट गया था तो क्या सारे मुस्लिम चले गए थे वहां? अरे बापू ने क्या काम किया, सबके लिए काम किए, और जितना वहां थे उससे भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग अपने देश में रह गए। तो इसलिए मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने के चक्कर में रहता है, आप चाहे जैसा भी हो जाइए, कोई जन्म लेता है तो जन्म लेगा तो कुछ ना कुछ तो बहुत ही गड़बड़ करने वाला आदमी होता ही है, वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पर कहीं नहीं होता। इसलिए एक बात जान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होइए, और ये समझ लीजिए ये तीसरा गठबंधन उत्पन्न की बात नहीं है, मुख्य गठबंधन की बात है, मेन गठबंधन देश में बनेगा, और तभी बहुत अच्छे मत से जीतेंगे, और अच्छे मत से जीतेंगे तो अपना आपको जो चाहिएगा, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे गरीब गुरबे का मामला हो, अनुसूचित जाति जनजाति का हो, समाज के किसी भी तबके के तबकों का है, उन सबों के उत्थान के लिए मिलकर के काम होगा। इसलिए हम सब लोगों को, जो आप जयंती समारोह मना रहे हैं श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी का, हम लोग और यहां पर आने का मौका मिला, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन याद रखिए कि उन्होंने कितना काम किया था, आपका हरियाणा बना कैसे था, ये तो उन्हीं का मूवमेंट था जिसके चलते हरियाणा भी बना, लेकिन हरियाणा तो और पंजाब अलग हुआ, लेकिन आप जान लीजिए उन्हीं का रिश्ता पंजाब से भी सबसे अच्छा था। अभी तो आप ले लीजिए ना, अगल बगल में रहने वाले दोनों लोग मौजूद हैं यहाँ, तो इसीलिए कोई अलग नहीं, अलग राज्य बना, तो इसीलिए उनका तो बहुत बड़ा योगदान है, और उन सब चीजों को याद रखना है। तो आज जो आप लोग कर रहे हैं बड़ी भारी बात है, बहुत अच्छी बात है, और इसका आयोजन किए है, तो मेरा तो एक ही अनुरोध है कि सब लोग मिल करके एकजुट हो करके आगे बढ़िएगा, और तभी देश आगे बढ़ेगा, और जो देश को नष्ट करने में जो आज शासन में है वो लगे हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। तो आप लोगों को ये पसंद है, अरे एकजुट होना चाहते हैं, आप बताइए, हाथ उठा के बताइए। अब देख लीजिए सर, सब हाथ उठा दिया, सब लोग हाथ उठा दिए, और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सब लोगों से हम लोगों की बातचीत हो रही है। शरद पवार साहब से कितना बातचीत हुआ, और हमने कहा इनको कि आप जो करिए, सीपीआई सीपीएम सब लोगों को कहा है, और आज तो बड़ी खुशी की बात है कि जब यहाँ पर बादल साहब भी मौजूद हैं, तब एक बार हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, अब आप भी सब साथे आ जाइए, अब इधर उधर मत होइए, एक साथ रहिए। और हम तो आप जानते ही ना भाई, आप लोगों की जो इच्छा थी वो हम क्या करते रहे, और आपके पिताजी कितना मानते थे हमको, याद करिए ना कि कितना मानते थे, और जब हम लोगों ने 17 में काम किया वो हमको सब दिन थे। इसीलिए हम सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आज सब लोग एकजुट होकर के, आपने जो हाथ उठा दिया है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, हम लोग मिल करके चलेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, हम तो चाहते हैं देश को आगे बढ़ावे, और मिल करके सबका विकास हो और सब लोग आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। और समाज में किसी भी तरह का, कोई तरह का
इधर उधर न रहे, इसलिए सब मिल करके चलेंगे। और आपको मैं तीसरी बार हाथ उठा करके जो आपने आज कह दिया तो मुझे बड़ी खुशी है, और अब हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के चलेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करें।